तीसरा है विधेयी। जब आप बैठे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो किसी न किसी सोमान की स्मृति ले लो। सोमान देहान को प्रण, सोमान आपके दृष्टि वृत्ति संकल्प और कर्म सबको चेंज कर देगा, क्योंकि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। जैसे मान लो आप टीचर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी मान लो, जब आप घर में हैं तो आपको हाथ है कि मैं बाप हूं, और बाप के मान के कारण बच्चा आपके कंधे पर भी बैठ जाता है, कान पकड़ने मुंह खींचे कुछ भी करे, आप खुश हो रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और वही जब आप स्कूल में जाते हैं, टीचर अपने का मान रहता है टीचर, कोई बच्चा आपका कान पकड़ सकता है ना? बदल लेगा। उस समय संकल्प चेंज है। अगर किसी बच्चे ने आपका कान पकड़ लिया तो क्या करोगे? उसे पनिशमेंट दोगे। और यहां घर में पकड़ रहा है तो खुश हो गए, स्कूल में पकड़ा तो पनिशमेंट सजा, और घर में पकड़ा तो खुश हो रहे हो। क्यों? क्योंकि यहां बाप हो, वहां टीचर है। तो जैसा अपने को सोचते हो वैसा दृष्टि वृत्ति संकल्प और व्यवहार सब चेंज है। इसलिए आप अपने को किसी न किसी सोमान में रखो। विश्व कल्याणकारी हूँ, भगवान का राइट हैंड हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान, कोई भी सोमान नहीं।